अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन है हेल्थ में। सेहत के अंदर बायोटेक्नोलॉजी का क्या किरदार है, क्या रोल प्ले कर रही है। बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स बायोलॉजिकल तरीक़ेकार आर आल्सो यूज इस्तेमाल हो रहे हैं फॉर क्योरिंग डिजीज़, बीमारियों के इलाज के लिए एंड इम्प्रूविंग हेल्थ और सेहत को बेहतर बनाने के लिए। द डिजीज फॉर विच देर वॉज नो एडिकेट ट्रीटमेंट कैन नाउ बी ट्रीटेड। वो बीमारियाँ जिसके लिए कोई भी इलाज काफ़ी नहीं था, अब उनका इलाज मुमकिन हो सकता है। इट इज़ ड्यू टू यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स। ये बायोलॉजिकल तरीक़ेकार की वजह से मुमकिन हो सकता है उनको इस्तेमाल करके। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रूट काजेज ऑफ डिजीज, बीमारियों की वजह बनने वाली जड़ का पता लगाना, उनकी पहचान करना। प्रोडक्शन ऑफ मेडिसन्स फॉर फाइटिंग अगेंस्ट डिजीज, बीमारियों के खिलाफ लड़ने वाली दवाइयाँ बनाना। एंड क्योरिंग एंड करेक्शन ऑफ जेनेटिक डिफेक्ट्स, और इलाज करना और जेनेटिक डिफेक्ट्स मतलब जीन के अंदर डीएनए के अंदर कोई भी नकायस पैदा हो जाए उनको दुरुस्त करना वगैरह आर द मेजर रोल्स ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। इस तहकीक के अहम रोल हैं इन डिवेलपिंग बेटर हेल्थ, सेहत को बेहतर बनाने में। वेरियस टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स विच आर यूज टू सेव लाइव्स इंक्लूड, बहुत सारे बायोटेक्नोलॉजिकल चीज़ें जो कि लाइफ सेविंग हैं, जो आजकल इस्तेमाल हो रही हैं सेहत को बेहतर बनाने के लिए, उसमें शामिल है इंसुलिन यूज़फुल फॉर डायबिटीज़ शुगर के मरीज़ों के लिए, वैक्सीन यूज अगेन मैनी इन्फेक्शन डिजीज़, बहुत सारी बीमारियों के खिलाफ लड़ने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। वैक्सीन्स ग्रोथ हार्मोन यूजफुल फॉर स्टिमुलेटिंग ग्रोथ, ग्रोथ को बेहतर बनाने के लिए। बीटा एंडॉर्फिन अ पेन किलर ड्रग, एक ऐसी मेडिसन है जो दर्द को ख़त्म करती है। इंटरफेरोन एंटीवायरल प्रोटीन्स, वायरस के खिलाफ लड़ने वाली प्रोटीन। डायरी अपनी नोट कर लें, इसके ऊपर आपने इस पैराग्राफ के ऊपर क्वेश्चन लिख लेना है, या सारा आपने जितना पढ़ा है उसको याद भी करना है। क्वेश्चन इसके ऊपर आपने लिख लेना और उसको नोटबुक पे लिखना भी है और याद भी करना है। क्वेश्चन है राइट एंड शॉर्ट नोट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन हेल्थ। अल्लाह हाफिज़।